सो हेलो हाय वेलकम टू द माय न्यू अनदर ब्लॉग में आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। सो आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं टिमना पहाड़। ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये हम लोग का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुत्रा ब्लॉक में ये एरिया आता है, ठीक है ना। उतना बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन वहाँ पर शिवरात्रि के दिन में ज़्यादातर भीड़ रहता है, पूजा पाठ रह करते हैं या कपल उपल घूमने उमने जाते हैं। घूमने के लिए अच्छा जगह है, लेकिन खास करके बुजुर्ग लोग को वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत हाइट है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है वहाँ जाने से, चढ़ने उतर में उतरने से। बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल में, जो कोई भी नया आएगा चैनल में प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। आप लोग करते नहीं हो, लेकिन मेरा काम है आपको प्यार देना है, तो प्यार आप भी दिखाइए। सो चलिए, तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टिमना पहाड़। बहुत भारी टाइप का है, दिखाई दे रहा है छोटा, ठीक है ना। हम लोग नीचे से इतना दूर तक आ गए, अब देख सकते हैं, लेकिन धुआं निकल जाएगा। सो चलिए आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सही में यहाँ इतना हाइट है ना, अभी हम लोग चढ़ने वाले फिर ऊपर। आप देख सकते हैं गांड फट रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। जुड़े रहिए, मेरा सांस भी फूलने लगा है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर आ गए, और थोड़ा दूर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यह छोटा सा मंदिर है, देखिए। फिर आगे चलते हैं ऊपर, और बहुत है, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे चैनल में, और जो कोई भी नया चैनल में, आज तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं नीचे का नज़ारा, ठीक है। और दिखाने वाले हैं आपको, जुड़े रहिए बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों फाइनली मैं थक चुका हूँ, पहुँचने वाला बात छोड़िए, मैं पूरा थक गया हूँ और मेरा पेशेंस नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए चलता हूँ आगे। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेस में, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पर्वत है, ये वाला पर्वत चट्टान है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी आइए, अपना फ्रेंड सर्कल के साथ आइए, नहीं तो फैमिली। मेरे हिसाब से तो जो बुजुर्ग है ना, उन लोग को लेना, यहाँ लेके आना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग का धुआं निकल जा रहा है।
तो सोच के देखिए कैसा होगा उनका हाल। ठीक है, यहाँ कुछ बना हुआ है, हम आपको लेके चलते हैं। चलिए, कुछ है, उतना सामने नहीं जाएंगे लेकिन दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर पूजा उजा होता है। ठीक है ना, शिवरात्रि में ज़्यादातर यहाँ पूजा उजा, भीड़ भी रहता है, कभी कभार आदमी सब आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं, अभी फिर शाम होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को नीचे भी जल्दी जाना है, उसीलिए हम जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए, ये वाला देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला क्या चिक्का मंदिर है, मेरे को तो मालूम नहीं। ठीक है, जो कोई यहाँ का अगर देख रहा है व्यू, ठीक है, उसको सब मालूम होगा, शायद मेरा हिसाब से मंदिर है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। अंधेरा होने वाला है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मंदिर एक तो दिखाई दे रहा, चलिए उसका पास लेके चलते हैं। मंदिर आ गया, हनुमान जी और शिव जी हैं, आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, शिव जी का लिंग है और हनुमान जी का, ठीक है, और माता दुर्गा का। अब चलते हैं आगे, कभी आइए दोस्तों, यहाँ घूम घूम के जाइए, अपना फैमिली या अपना फ्रेंड सर्कल में आइए, यहाँ घूम के जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितना बड़ा बड़ा चट्टान है, पत्थर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत विराट बड़ा बड़ा है। तो अभी हम लोग और एक ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। सो जितना होता है हम लोग दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, हम लोग को नीचे भी जाना है। अभी हम लोग हिल टॉप में हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों नीचे का गांव, ये वाला जो लाइन गया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला गांव साफ है। हम लोग बहुत हाइट में है दोस्तों, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बहुत खूबसूरत। कभी आइए, मतलब कैमरा में ना आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन आप फ्रंट में आएंगे ना, प्लेस आके समझेंगे कैसा है नज़ारा। ठीक है, चलिए हम आपको फिर लेके चलते हैं। शायद गुफा उफा क्या है, देख सकते हैं, खतरनाक भी है, यहाँ संभल के चलना चाहिए। आउच, ओह, गुफा शायद है वहाँ, आप देख सकते हैं, एक आदमी आराम से घुस जाएगा यहाँ, देख रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चट्टान का बीच में पेड़ निकला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब मुझे देख के ना थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है ना, ये सब जो नज़ारा देख रहे हैं ना, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्योंकि किस लिए मेरे को गुस्सा आया। ठीक है, तो मेरे दोस्त को बोलते हैं हाथ थोड़ा देगा, ठीक है, एनु प्रायनु एनु, हाँ
ठीक है, दिखाई नहीं देगा वो, ये आप देख सकते हैं क्या वाला है, क्या गोचा बेटा। चलिए हम गुफा के तरफ लेके चलते हैं, इतना अंधेरा है दोस्तों लेकिन हम आपको लेके चलते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ठीक है ना। यहाँ गुफा है शायद, लेकिन जाना खतरों से खेल नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। मेरा दोस्त है, अब देख सकते हैं, ठीक है, कैसा कूद कूद के जा रहा है, होगा बे देख, नहीं है बाबा, नहीं है, नहीं तो बनाना पड़ेगा, चल चल चल, इधर ही बना, रास्ता नहीं है बोला तो यहाँ से कूदना पड़ेगा, आप देख सकते हैं मेरा पैर, यहाँ से यहाँ तक कूदना पड़ेगा। तो बोलो जय सिया राम की जय, चल फिलहाल बहुत रात हो चुका है, अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये सब जगह में रुकना भी ठीक नहीं है, तो हम लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल में, लेकिन मुझे कुछ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जो बोले हैं वो मेरे को रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ उतरने के लिए खतरनाक है, रात का टाइम है दोस्तों, शाम होने वाला है, शाम हो चुका है, ठीक है, रखते हैं थोड़ा। तो दोस्तों फाइनली रात हो चुका है, हम लोग पर्वत के ऊपर हैं, अभी उतरने के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलना नहीं पड़ेगा। क्या मकसद था वो?